गलत काम कुछ गलत लोगों से होता है, और ये सब होने के बावजूद एक माहौल इसके खिलाफ हम पैदा नहीं करेंगे तो संविधान के बारे में ध्यान दें, मगर महिला का सम्मान हम कभी रख नहीं सकते, और इसलिए कुछ न कुछ हमें ज्यादा ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। यहाँ पर बताया गया कि जब मेरे हाथ में राज की हुकूमत थी तो देश में पहले बार वीमेन पॉलिसी हम लोगों ने अनाउंस की। वो वीमेन पॉलिसी में ऐसे कुछ कदम हमने उठाए, और मुझे खुशी है कि आज देश के पार्लियामेंट ने भी इसका स्वीकार किया, इलेक्शन दे दिया, चाहे पंचायत राज हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे सहकारिता हो, सभी संस्था ने महिला को आरक्षण देने के लिए कुछ कदम उठाए। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी, अभी पूरे देश में यह हो गया, इसके मुझे खुशी है, पर मैं यहाँ तक खुश नहीं। मुझे लगता जब महिला को सम्मान देने की बात हम करते हैं और राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस इसमें आगे आना चाहती है, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस को और एक काम हाथ में लेने की आवश्यकता है, और वो काम खाली जिला परिषद पंचायत राज्य नगर परिषद सहकारिता वहां तक आरक्षण, ये आरक्षण उन्हें संतोष देता नहीं, आरक्षण देना हो तो देश की संसद हो, देश की विधानसभा हो, वहां भी आरक्षण देने के लिए कानून करने की आवश्यकता है। दुनिया के कई देशों में पार्लियामेंट महिलाओं के लिए आरक्षण है, और हमें इस पर ध्यान देने होगा। दूसरा कदम पूरे देश में होने की आवश्यकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया था, शादी के बाद जब लड़की नए घर में जाती है उसके पति की जितनी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में जिसकी शादी हो जाएगी इस लड़की का नाम भी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार इससे आना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और जब चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो, शादी के बाद पति के साथ पत्नी का नाम वहां आएगा तो मुझे विश्वास है कि अत्याचार कम हो जाएगा, उनको एक तरह की सम्मान मिलेगा, उनके खिलाफ गलत फोर्स या ऐसे कदम उठाने के लिए 10 बार सोचना लगेगा, और इसलिए इसमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। वो कैसे कर सकते हैं, इसकी शुरुआत ऐसी हो सकती है, कई बार कई राज्यों की तरफ से लोगों के लिए कुछ सहायता देने वाली स्कीमें होती है, किसी को मकान नहीं तो उसको मकान देते हैं, शहरों में हाउसिंग बोर्ड के में अलग होकर छोटे छोटे फ्लैट देते हैं, गरीबों को सरकारी जमीन देते हैं, जरूर अच्छा काम है, सरकार ने करना चाहिए। मगर मेरा इसमें सुझाव यह है कि हम लोगों ने एक मांग करने की आवश्यकता है कि देश के कौन से भी राज्य में किसी की भी हुकूमत हो, यह हुकूमत के माध्यम से किसी व्यक्ति को चाहे जमीन देते हो, चाहे मकान देते हो, कहीं सुविधा देते हो, ये सुविधा देते समय ये खाली पति के नाम पर वर दीजिए, पति पत्नी के नाम पर दीजिए, इससे ये दोनों को एक तरह के सम्मान मिलेगा और उसके जीवन में एक तरह की सिक्योरिटी आएगी, आज इसकी करने की आवश्यकता है। और ये सब करते समय आज देश की जो कानून व्यवस्था है इसमें कहीं सुधार कर सकते हैं,
क्या ये भी देखने की आवश्यकता है। यह वाजिब वेवर साहब बैठे हैं, वो मेरे विजिट में है, सुप्रीम कोर्ट हो हाईकोर्ट हो हमेशा कानून का अर्थ वहाँ बताने के लिए जाते हैं, वो हो और हमारे अन्य साथी हो कि जो कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने आज के जो कानून है इसमें महिला को सम्मान और रक्षा करने के लिए कहा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। अट्रोसिटीज अगर जीवन हो, लीगल एंड जुडिशियल चेंजेस जहाँ करना है वो बात हो, इकोनॉमिक स्टेटस महिलाओं को इम्प्रूव करने की बात हो, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इसकी बात हो, महिलाओं को लोकल सेल गवर्नमेंट और सरकार में डिसीजन लेने के प्रोसेस में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हिस्सा हो, ये सभी क्षेत्र में आज के जो कानून हैं इसमें कुछ ना कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर हमारी महिला आयोग ने कुछ हमारे साथियों को इनके साथ बैठकर ये सभी क्षेत्र में कैसा परिवर्तन हम कर सकते हैं इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और एक बार हम इस बारे में सोचेंगे तो किसी की भी हुकूमत हो या हुकूमत में ये बदलाव के बारे में हम वहाँ एक दिन की डिमांड कर सकते हैं। और इसलिए इस तरह से हम एक तरफ से संविधान के सम्मान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वैसे महिला को सम्मान ये भी बात हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला के हमारे हर सदस्य इसमें ध्यान देगी और महिला में जागृति तैयार करेगी और देशवासियों के सामने एक नया रास्ता दिखाइए। ये कहकर मैं आपसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय महिला।